Assalamu alaikum viewers, my name is Rizwan Cheema and welcome back with another video of Capital Smart City Walking Tales Episode 7. इस वीडियो में आपको मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में ब्लॉक जी में जो डेवलपमेंट हो रही है इस वक्त, इनिशियली ब्लॉक जी में कोई ऐसा अर्थवर्क नहीं हुआ था, सिर्फ 20% या 15% अर्थवर्क हुआ था, लेकिन उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ था। लेकिन आज की डेट में अगर आप ब्लॉक जी विजिट करते हैं, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ब्लॉक जी की थोड़ी सी लोकेशन एक्सप्लेन कर दूँ। ये जो ओवरहेड वाटर टैंक नज़र आ रहा है आपको, ये ब्लॉक ई की बैक साइड पर है, ये वाटर टैंक, ये हिल व्यू रोड है जहाँ पे मशीनें भी पत्थर तोड़ रही हैं, और ये ब्लॉक डी वाली साइड पे जहाँ पे कुछ विलास बन रहे हैं, ब्लॉक ई है, ये हिल व्यू रोड ही बेसिकली आता है जो ब्लॉक डी और ब्लॉक ई को डिवाइड करता है। इस तरफ चलते हैं जी, ये ब्लॉक जी की प्रीमिसेस हैं। बिलीव मी, ढाई महीने पहले जब मैंने साइट की वीडियो बनाई थी, और ये कुछ आप रोड देखते हैं जिस पर जो बेसिक कॉम्पैक्शन का काम होता है वो भी हो गया। ढाई महीने पहले जब मैंने साइट की वीडियो बनाई थी ब्लॉक जी की, तो तब यहाँ पे साइट पे एज सच कोई मैसिव डेवलपमेंट नहीं थी, बस रैंडम थोड़ी सी डेवलपमेंट थी। 15% से 20% मैंने कहा था अर्थवर्क हुआ, उसके अलावा 80% जो है काम रहता है, मे बी लैंड के इशूज़ हों या प्रोक्योरमेंट के इशूज़ हों, बट ओवरऑल अगर देखा जाए आज की डेट में साइट पर आके, तो इस वक्त साइट पर डेवलपमेंट जो है वो बड़ी मैसिव तादाद में हो रही है। यानी कि इनफैक्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ढाई महीने के गैप में, ढाई महीने टोटल टाइम कितना बनता है, 75 डेज़ में जिसमें बारिशें भी हुई हैं, बड़ा कुछ हुआ है, इवन दो मानसून का सीज़न ख़त्म हुआ है, और सब कुछ होने के बावजूद फिर भी अगर आप साइट पर आके देखते हैं तो जो स्ट्रीट्स हैं, मैं अगर काउंट कर सकूं यहाँ पे, तो स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, ये मैं एग्जैक्ट नंबर बता रहा, लेकिन वैसे मैं नंबर काउंट कर रहा हूँ रैंडम, उस तरह से काउंट कर रहा हूँ। ये आपको सीवरेज काम नजर आ रहा है स्ट्रीट पे, चलें जाके चलते हैं स्ट्रीट 3 की तरफ। ये स्ट्रीट 3 की प्रीमिसेस है, स्ट्रीट 3, ये एक लेन है, लेन नंबर क्या मुझे नहीं पता, बट वर्टिकल स्ट्रीट्स हैं, हॉरिजॉन्टल लेन्स हैं, तो मैं उससे आइडियल गा रहा हूँ कि ये किस तरह काम हो रहा है। बहरहाल ब्लॉक जी में बड़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई है डेवलपमेंट की, और अभी ब्लॉक जी में आई थिंक 10 से 15% लैंड ऐसी जो प्रोक्योर नहीं है, जो मैं रियल वीडियो में ऐड कर दूंगा, जो ब्लॉक जो बेसिकली लीनियर पार्क है उसके आसपास बनती है, इस साइड से लैंड सारी प्रोक्योर्ड है। और यस, जो ब्लॉक जी और ब्लॉक एच के सामने कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनकी डेवलपमेंट नहीं हुई, इनफैक्ट मेरे ख्याल में उसकी लैंड भी प्रोक्योर्ड नहीं है, अगर आप देख सकते हो तो प्रॉपर खेत लगे हुए हैं। ये जो कमर्शियल प्लॉट्स की लैंड है ब्लॉक जी और ब्लॉक एच के अपोजिट, जिन मेम्बरान के प्लॉट वहाँ निकले हैं, सॉरी टू से दिस, बट अभी तक आपके प्लॉट पर डेवलपमेंट नहीं हुई। लेकिन ब्लॉक जी में जिनके रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि ये चौथी स्ट्रीट है और जिस पे ये काम हो रहा है, ये 5वीं स्ट्रीट, यहाँ पर आपको कैरिडर एक मशीन नज़र आ रही है, कैरिडर नज़र आ रहा है, ये 5वीं स्ट्रीट है, और ये जिस मशीन पर काम हो रहा है दैट इज़ स्ट्रीट 6, उसके पहले स्ट्रीट 7 भी डेवलप्ड है जो इस एरिए में आती है, और स्ट्रीट 8 भी डेवलप्ड है जो पीछे जहाँ पे आपको एक इंडिविजुअल बैठे हुए काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर आप मैप जूम कर देख सकते हो तो ये एरिया भी डेवलप्ड है। तो ब्लॉक जी में इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट बहुत कम अरसे में, यानी 75 डेज का गैप है जिसमें बड़ा कुछ हुआ, वेदर कंडीशन को देखा जाए सब कुछ को, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ब्लॉक जी में बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। सबसे अच्छी बात यह है कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये कॉम्पैक्शन नहीं होता कि मशीन लगा दी कॉम्पैक्शन कर दिया या ये मशीन लगा के पत्थर तोड़ दिए, डेवलपमेंट का मतलब होता है कि तमाम चीज़ें, ये देखें मैं नज़दीक से दिखाता हूँ आपको, यानी कि हर घर की हर प्लॉट के सामने जो ड्रेनेज का सिस्टम है प्रॉपर वो प्रोवाइड किया गया। इससे ज़्यादा पीछे वाले कुछ ब्लॉक में स्ट्रीट में देखा था, वहाँ प्रॉपर जो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है उसकी सप्लाई है, ये देखें। और अभी ये मशीन जो मूव कर रही हैं, जो मिक्स कंक्रीट और सीमेंट का जो कंक्रीट बेसिकली मिक्सचर होता है वो सप्लाई करते हैं, और उसके बाद यहाँ साइड पर मुकम्मल उसकी डेवलपमेंट का काम हो रहा है। तो ये ब्लॉक जी के मेम्बरान जिन्होंने प्लॉट ले रखे थे उनके लिए एक अच्छी खबर है। अब चलते हैं आगे, जो हिल व्यू रोड पर कटिंग हो रही है उसकी तरफ। तो बहरहाल ब्लॉक जी की डेवलपमेंट जो थी उसकी अपडेट यही थी कि इस वक्त ब्लॉक जी में डेवलपमेंट जो है
वो अपने इस फेज़ में है कि अपने आप कह लें कि 70-75% एरिया ऐसा है जिसकी 75-80% एरिया ऐसा है जिसकी लैंड जो है मुकम्मल क्लियर है और जिस पर डेवलपमेंट अभी हो रही है। 20-15% एरिया ऐसा है जिनकी लैंड का ऐसा थोड़ा सा इशू है, जो मैं आपको लैंड इशारे से बताता हूँ। ये लैंड यहाँ पर बनती है, ये स्टार्ट की कुछ रेंज में बनती है जो ब्लॉक बी की बिल्कुल बैक साइड पर आती हैं। सो व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग के वाले से कुछ मालूमात चाहिए हो तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें, www.makansolutions.com। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त अगले वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिज़।